जल्द शुरू होने जा रहे कोविड टीकाकरण में जुगाड़ लगाना या पावर दिखाना पड़ेगा महंगा। यही नहीं, टीकाकरण को लेकर किसी तरह के भ्रम अथवा अराजकता फैलाने की कोशिश की तो पुलिस ऐसे तत्वों से पूरी तरह सख्ती से निपटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने जो प्राथमिकता क्रम तय किए हैं हर हाल में उसका अक्षरशः पालन किया जाए। कोई भी कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, तय क्रम में आने के बाद ही उसका वैक्सीनेशन होगा। मंगलवार को मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए वृहद टीकाकरण अभियान जल्द शुरू होने के आसार हैं। हम आभारी हैं अपने विद्वान वैज्ञानिकों के प्रति जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से हमारे लिए वैक्सीन तैयार किया। जनपदवार तैयारियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिला अधिकारीगण वैक्सीनेशन से जुड़ी हर तैयारी यथाशीघ्र पूरी कर लें। सफल वैक्सीनेशन के लिए कोल्ड चेन महत्वपूर्ण है। प्रदेश में वैक्सीन की आमद से लेकर टीकाकरण केंद्रों तक हर जगह प्रत्येक स्थिति में कोल्ड चेन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रति लोगों की आतुरता स्वाभाविक है, लेकिन यह आतुरता किसी भी दशा में वैक्सीन की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वैक्सीन की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। टीकाकरण अभियान से जुड़े सभी स्थलों पर केवल अधिकृत व्यक्ति ही रहें। सतत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी तैनात हों जो टीकाकरण केंद्रों पर भ्रमण करते रहें। मुख्यमंत्री ने जनता की जागरूकता के लिए मीडिया से इस वृहद अभियान में सकारात्मक भूमिका की अपील की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मीडिया को आवश्यकता अनुसार जरूरी जानकारियां दी जाएं। टीकाकरण के बाद यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो उसके उपचार के व्यवस्थित प्रबंध किए जाएं। वैक्सीनेशन के बाद संबंधित व्यक्ति को एक कार्ड दिया जाएगा। इस पर नाम, पता आदि के अलावा वैक्सीन की अगले डोज की तारीख भी लिखी होगी। जिनका टीकाकरण होना है उनका नाम पहले से ही तय होगा। केवल वही टीकाकरण केंद्र पर जा सकेंगे। वहां सत्यापन के बाद टीका लगेगा, फिर ऑब्जर्वेशन रूम में आधा घंटा गुजारना होगा। इस अवधि में व्यक्ति के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो तत्काल उसे आवश्यक चिकित्सकीय सहायता दिलाई जाएगी। इसके लिए विस्तृत प्रबंध किए जा रहे हैं। समीक्षा बैठक में वैक्सीनेशन के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण देते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पहले चरण में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। करीब 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1500 स्थलों पर 3000 सत्र होंगे। इस तरह एक दिन में 3 लाख और 3 दिन में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण होगा। चौथे दिन इस श्रेणी के छूटे हुए लोगों को एक अवसर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में पुलिस, जेल कर्मी, होमगार्ड, नगरीय निकायों के स्वच्छता कर्मियों और सर्विलांस आदि कार्यों में लगे राजस्व कर्मियों को टीका लगेगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग तथा 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे लोग जो डायबिटीज, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने मुख्यमंत्री को बताया कि सभी जनपदों में आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, शेष कार्य तेजी के साथ जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीनेशन के बाद भी जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से क्रियाशील रहे। समस्त जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समीक्षा बैठक की जाए। प्रदेश में संचालित 65,000 कोविड हेल्प डेस्क भी पूर्ववत चलते रहेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के उपचार एवं बचाव की प्रभावी व्यवस्था को बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचाव के संबंध में निरंतर सावधानी बरती जाए। इस संबंध में थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। इसके दृष्टिगत लोगों को विभिन्न प्रचार माध्यमों तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड-19 से बचाव के बारे में लगातार जागरूक किया जाए। संक्रमण से बचाव में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क की उपयोगिता के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए। उन्होंने कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के भी निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG राजेश डी मोडक, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, SSP जोगेंद्र कुमार, CDO इंद्रजीत सिंह, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत ही संक्षिप्त नोटिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखवाई गई है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर है। आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक ड्राई रन भी किया है, तो आपको बहुत चीजों का संज्ञान भी है कि इसमें क्या क्या किया जा रहा है। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमति से एक छोटी सी प्रस्तुति, कुछ प्रायोरिटी ग्रुप बनाए गए, जैसे सबसे पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जाना है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स की 1500 जगह पर हम वैक्सीनेशन करेंगे,
ये आवश्यक नहीं है कि एक जगह पर एक ही सेशन चल रहा हो, किसी किसी जगह पर एक से ज्यादा सेशन 100 लोगों को 100 बेनिफिशियरी को अलॉट किया जाए। उसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में लगभग 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेट होंगे और 3 दिवस में हम 9 लाख हेल्थ केयर वर्कर को हम वैक्सीनेट कर देंगे, उनकी हम फर्स्ट डोज हम दे देंगे। उसके बाद एक दिन हम उसके बाद चौथा दिन जो है उनके मॉप अप के लिए रखेंगे, जो लोग भी उसमें छूट गए होंगे हेल्थ केयर वर्कर्स 3 दिनों में वो उस दिन अपना फिर करवा सकते हैं। इसके पश्चात हम फ्रंटलाइन वर्कर पर आएंगे। फ्रंटलाइन वर्कर जो हम लोगों ने पहले एसेस किया था तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनके हमने 2 गुने रखा था 18 लाख, लेकिन ये संख्या थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि अब ये निर्देश आया है कि जो आर्म फोर्सेस हैं, जो आर्मी और एयरफोर्स के लोग होंगे उनका वैक्सीनेशन उन्हीं के डॉक्टर्स के द्वारा, उन्हीं के स्टाफ के द्वारा किया जाएगा। हम लोगों को उसके लिए नहीं करना है, केवल हमको इसमें पुलिस और उनके जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वो फ्रंटलाइन वर्कर में हैं, जिसमें पुलिस है, जेल है, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और सिविल डिफेंस है। कंपाइलेशन का काम है, ये गृह विभाग के देख रेख में पुलिस विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। ये अभी डेटा क्योंकि उसमें चूंकि भारत सरकार ने कोई वर्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिपार्टमेंट नहीं बनाया है तो उन्होंने ये व्यवस्था की है कि रेवेन्यू का सारा डेटा हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया जाएगा और सीएमओ के द्वारा उसको कोविन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वो भी आपको क्विकली करना होगा। और 10 कौन से ब्रांड का वैक्सीन लगाया गया इनको, ये अगला लगता है कि पिछले 10 महीनों से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है देश की उसमें सफलतापूर्वक इस आपदा से निपटने के लिए जो कार्य हमारे फील्ड के अधिकारियों ने किया है वह सर्वोत्कृष्ट की सराहना हुई है। और यह हमारे सामने एक अवसर है जब हम लोग अपनी सफलता को और भी अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए एक इस बात को हर एक अधिकारी बहुत मजबूती के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ नोट कर लें, भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइन में वैक्सीन देने के लिए जो क्रम तय किया है उसको कहीं से भी किसी के दबाव में भी खंडित न होने दें। कोई भी व्यक्ति अगर आपको गलत कहता है, यहां तक अगर मैं भी आपको कहता हूं कि आप इसको खंडित करिए, कतई मत मानिए। किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं और कोई भी इसमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता भी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री या कोई अन्य जनप्रतिनिधि जाकर के प्रदर्शन करके वैक्सीन लगा रहा है। ये प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के जो प्राथमिकताएं भारत सरकार ने तय की हैं उस प्राथमिकता के अनुरूप ही वैक्सीन मिलने चाहिए और उन लोगों तक ये वैक्सीन पूरी ईमानदारी तक पहुंचनी चाहिए। ड्राई रन आज जो पूरे प्रदेश के अंदर हुआ है, मैंने आज स्वयं भी एक केंद्र में जाकर के उसका निरीक्षण किया है, अच्छी व्यवस्था थी और पूरी टीम पूरी सक्रियता के साथ वहां पे कार्य करती भी दिखी है। अन्य जगहों पर भी इसकी समय से समीक्षा हो जानी चाहिए क्योंकि अब आपके पास कुल 5-7 दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए जो भी होमवर्क करना है या पहले कर लें। देखिए क्रम जो भारत सरकार ने तय किया है इसमें प्रथम चरण में प्रदेश के 9 लाख हेल्थ वर्कर्स को हमें इस वैक्सीन को उपलब्ध करवाना है। इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होंगी जिसमें समस्त सरकारी और गैर सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में कार्यरत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, ये सम्मिलित हैं, आपके सामने पहले से स्पष्ट है, इसको आप नोट कर लें और उसको पूरे उसके साथ इसको वहां पे अपने जिले के अंदर पहले से इसको तैयारी कर लें। दूसरे चरण में
जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इन पर इन्हें वैक्सीन दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्य और केंद्र, जो केंद्रीय हमारे पुलिस बल हैं उनसे जुड़े हुए सशस्त्र बल, होमगार्ड, जेलकर्मी, आपदा प्रबंधन और स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए या नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता जिन्होंने आपके इस पूरे अभियान में एक सहयोगी की भूमिका में काम किया है, आपके यहाँ पहले से उसकी सूची बनी हुई है। इसके साथ ही राजस्व विभाग के वे कार्यकर्ता जिन्होंने सर्विलांस में और कंटेनमेंट जोन के समय सक्रिय योगदान किया है और जिनकी भूमिका भी रहेगी पूरे वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में, क्योंकि ये कई दिनों तक आगे चलेगा ये भी, इसलिए उनमें और तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम में वे लोग आएंगे जो डायबिटीज, सांस रोग, कैंसर, उच्च रक्तचाप या किसी अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों पर टीकाकरण होना है। और ये आपने सूची अपने अपने जनपदों में पहले से ही बना करके उसको वेरीफाई कर लें, कहीं से भी कोई शिकायत की गुंजाइश नहीं होगी। अगर शिकायत होगी और कहीं भी किसी ने इसके नाम पे अनावश्यक रूप से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास किया तो जिलाधिकारी और सीएमओ की सामूहिक जिम्मेदारी उस संबंधित जनपद के अंदर इसके लिए मानी जाएगी। इसलिए पहले से ही उस प्रकार के लोगों की तैनाती, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पे देना और किसी को भी इसका उल्लंघन न करने दें, इसके बारे में हम लोग तय कर लेंगे।